उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 साल पहले हुए दंगे की तरह ही जहांगीरपुरी में भी हिंसा की साजिश रची गई। क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों की माने तो इसके लिए ना सिर्फ PFI ने फंडिंग की है, बल्कि कई दिन पहले से इसकी साजिश रचना भी शुरू कर दिया गया था। यही नहीं, हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पहले ही PFI ने सदस्यों ने जहांगीरपुरी में बैठक कर शोभा यात्रा को बाधित करने और हिंसा को अंजाम देने की रणनीति तैयार की थी। इस बैठक में अंसार, सोनू चिकना और सलीम सहित कई करीब 25 लोग शामिल हुए थे। हालांकि क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस बारे में कभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ठीक उसी तरह जहांगीरपुरी हिंसा के लिए फंडिंग किए जाने वाली जानकारी क्राइम ब्रांच को अब तक नहीं मिली है। इसके बाद गोपनीय तरीके से क्राइम ब्रांच ने फंडिंग के एंगल से भी जाँच शुरू कर दी है। देख रहे हैं, जहांगीरपुरी का जो मामला है, जो हिंसा हुई थी जहांगीरपुरी में, उसके लिए दोस्त जी, जहांगीरपुरी जो हिंसा थी उससे PFI एजेंसी के भी तार जुड़े हुए दिख रहे हैं। जांच एजेंसियां, क्राइम ब्रांच इस तरीके का दावा कर रही हैं और लगातार क्राइम ब्रांच अपने काम में, अपने जांच में जुटी हुई है और भी नए नए एंगल निकाल करके जांच में जो है सामने आ रहे हैं। दिल्ली वालों को गुरुवार से एक बार फिर लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार से अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकती है। वहीं शुक्रवार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि इसका खास असर तापमान पर नहीं पड़ेगा। दिल्ली की हवा वातावरण में मौजूद धूल कणों के चलते कभी खराब श्रेणी में रहेगी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 200 अंक से ऊपर यानी खराब श्रेणी की रिकॉर्ड में की गई है। बता दें कि मौसम विभाग के कारकों के चलते दिल्ली के लोगों को इस बार सामान्य से अधिक प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं और गुरुवार को लू चलने की संभावना है। और लगातार देख रहे हैं आप किस तरीके से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दोपहर के समय में काफ़ी ज़्यादा 1 बजे और 2 बजे के बीच में लू चलने की संभावना रहती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस बार दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दिल्ली वालों को एक बार फिर गुरुवार को लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार से अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। वहीं गुरुवार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि इसका खासा असर तापमान पर नहीं पड़ेगा। दिल्ली की हवा वातावरण में मौजूद धूल कणों के चलते अभी खराब श्रेणी में रहेगी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 200 अंक से ऊपर यानी खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि मौसम के कारकों के चलते दिल्ली के लोगों को इस बार सामान्य से अधिक प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। और देख रहे हैं किस तरीके से लगातार दिल्ली में लू चल रही है और इस बार सबसे ज़्यादा गर्मी दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में लोग परेशान हैं गर्मी से, त्राहिमाम मचा हुआ है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि कालीमेड में अपर मंदिर की रथ यात्रा के दौरान कई लोग हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिसके बाद करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की तंजावुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। PM मोदी और राज्य के CM ने घटना पर दुख जताया है। पुलिस को बताया है कि मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब बुधवार तड़के रथ यात्रा निकाली जा रही थी। रथ यात्रा के दौरान आसपास के गांवों से कई श्रद्धालु आए हुए थे। पुलिस ने बताया कि रथ की एक मोड़ से गुजर रहा था, इसी दौरान रथ पर खड़े लोग एक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए। देख रहे हैं किस तरीके से रथ यात्रा के दौरान 11 लोग मौत की चपेट में आ गए हैं और बिजली का तार करंट करंट के तार की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हुई है। PM मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राज्य के मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर शोक जताया है और जो बाकी घायल लोग हैं उनका इलाज लगातार जारी है। इसमें से काफ़ी लोग गंभीर रूप से भी
जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तमिलनाडु तंजावुर हादसे में मृतकों के परिवारों को मुआवजा। हादसे में मृतकों के परिवारों में मिलेंगे 2-2 लाख मुआवजा, घायलों को दिया जाएगा 50,000 रुपए। तमिलनाडु तंजावुर हादसे में परिवारों को मुआवजा। हादसे में मृतकों के परिवारों को दिया जाएगा मुआवजा, हादसों घायलों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, 11 लोगों को उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, घायलों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए के मुआवजे। जिन मृतकों की मौत हुई है उनके परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा। तंजावुर हादसे में जो 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा मृतकों के परिवारों को, इस वक्त की बड़ी खबर। घायलों को दिए जाएंगे 50,000 रुपये और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ये राज्य सरकार की बड़ी घोषणा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तंजावुर हादसे में मृतकों के परिवारों को मुआवजा। हादसे में मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये, घायलों को दिए जाएंगे 50,000 रुपये का मुआवजा। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से खबर आ रही है, तंजावुर हादसे में मृतकों के परिवारों को दिया जाएगा मुआवजा। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 32 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 5,23,654 हो गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,252 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि एक्टिव मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी कोरोना के 16,280 मरीजों का इलाज चल रहा है। बता दें कि ये लगातार 8वां दिन है जब कोरोना में 2,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आप देख रहे हैं देश में फिर से किस तरीके से कोरोना लगातार अपना संक्रमण बढ़ा रहा है। हम 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं आपको। 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, 2,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और ये 8वां दिन है जिस दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी बातें सामने रखी हैं कि दोबारा से कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। और देश में तमाम वैक्सीनेशन स्कैम चलाए जा रहे हैं फिलहाल, ताकि कोरोना से जो कोरोना की जंग है उसमें देश एकजुट होकर के, एक साथ होकर के लड़ाई लड़ सके। देश में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। कुछ राज्यों में तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण पर मोदी सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है। केंद्र सरकार इसको लेकर अलर्ट पर है। इसी सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी आज अहम बैठक करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर में बैठक करेंगे। ये बैठक वर्चुअली होगी। बैठक में मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोरोना की वर्तमान स्थिति, टीकाकरण के विस्तार, बूस्टर डोज और कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। आज लगातार देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। और कोरोना से कैसे देश को बचाया जाए, कोरोना से कैसे निपटारा किया जाए, कोरोना का किस तरीके से जो वैक्सीनेशन कैंप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली बात करेंगे। और इसी पे स्वास्थ्य मंत्री भी अपनी बातों को और देश की स्थितियों को रिप्रेजेंट करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में 75 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। कुल एक्टिव केसों की संख्या 298 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में 75 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कुल एक्टिव केसों की संख्या 298 तक पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना में लगातार आए दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिर से कोरोना संक्रमण देश के अंदर फल फूल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से हम आपको बता रहे हैं। लगातार 24 घंटों के आंकड़े के अनुसार गाजियाबाद के अंदर जो कोरोना केसेस की एक्टिव संख्या है 298 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर
और लगातार इसी को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी करेंगे। और इसी को लेकर के बीते दिन कल हम बात कर लेते हैं आपका मंगलवार की, मंगलवार को DCCI की अहम बैठक हुई थी और उसमें कोरोना संक्रमण को लेकर के कुछ अहम फैसले लिए गए थे। और आज प्रधानमंत्री फैसले लिए गए थे और देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं इस बार की जो चौथी लहर है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। और कल उस बैठक में DCCI के बैठक में 2 साल से 12 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर के फैसला लिया गया था और बच्चों को 3 डोज में वैक्सीनेशन कराने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से जगद्गुरु गुरु परमहंसराचार्य को कथित तौर पर धक्का मारकर बाहर निकालने का मामला सामने आया। इसके अलावा पुलिस ने उनके शिष्यों को भी बाहर निकाल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक जगद्गुरु परमहंसाचार्य मंगलवार को अयोध्या से आगरा आए थे। वे यहाँ ताजमहल में एंट्री करना चाहते थे लेकिन कुछ कारणों से पुलिस उन्हें प्रवेश नहीं कर। वहीं जगद्गुरु ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है। आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में क्या हो रहा है, किस तरीके से महंतों को ताजमहल से धक्का मार करके बाहर निकाला जा रहा है। जगद्गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल में एंट्री नहीं मिली, जो कि जगद्गुरु कहे जाते हैं और उनको ताजमहल के अंदर से जगद्गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल से धक्का मार करके बाहर निकाला गया है। और इस चीज़ को लेकर के बाद में प्रशासन ने और पुलिसकर्मियों ने उनसे माफ़ी भी मांगी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा काफ़ी आगरा का ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से प्रसिद्ध है, उसमें से उनको धक्के मार करके बाहर निकाला जाता है।